हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग बना रही हूँ और ये व्लॉग है शीतला माता मंदिर का। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव शीतला माता के मंदिर। तो शायद दर्शन करवाने, जब से पैदा हुआ था तब से कहाँ दर्शन हुए एक बार? हाँ, तो हम कुरुष के वहाँ पर दर्शन कराने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैंने वो मंदिर पहले कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम देखूंगी। शायद जो जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा होगा वो मंदिर, तो कमेंट्स में बताना किस किस ने वो मंदिर देखा है। और मेरा नया लुक कैसा लगा सब बताना प्लीज क्योंकि श्रावण और भादवा मैं शेव नहीं करवाता हूँ, कटिंग वगैरह, तो थोड़ी सी बाबा जी मैं लगता हूँ 2 महीने में, और उसके बाद हमारा वही स्वरूप वापस आ जाता है। तो बताना, मैं गंदा लग रहा हूँ या छिला बना रहे? और मेरा कोई न्यू लुक नहीं है, मैं वही पहले वाला लुक है मेरा। तो मेरे लिए कोई कमेंट मत करना, बस ये कमेंट करके बताना कि किस किस ने वो शीतला माता का मंदिर देखा है, कमेंट में बताना ज़रूर। और अगर नहीं देखा है तो हाथ जोड़ के कमेंट कर देना, तो आप लोग भी जाना वहाँ पे और दर्शन करके आना। और तो हम चलते हैं, पूरा ब्लॉग एंड तक देखना, व्लॉग एंड तक देखना, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबाना ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिले। बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है ना, ताकि हमारी कोई भी वीडियो न्यू आए तो वो आपको नोटिफिकेशन ऊपर ही आ जाए और आप देख लो और हमारे व्यूज बढ़ा दो और लाइक कर दो, ठीक है? तो चलते हैं और मैं आपको वहीं दिखाऊंगी कैसा है मंदिर अंदर से कैसा है, और आपको दर्शन भी करवाऊंगी। तो हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए और कार में बैठे हैं, देखो कहाँ पहुंच गए हम, टोल रोड पे। टोल रोड, टोल रोड। अच्छा, तो हमें अभी कितना टाइम लगेगा? टोल पार करना, उसके बाद मुश्किल से 20 मिनट मान लो। मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में, और हालत बुरी हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसी चलने के बाद भी घमस लग रही है मुझे। वो क्या है? वो क्या है? बस जल्दी से पहुँच जाए मंदिर। वो क्या? देखो 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 देखो, और दर्शन कर ले। और ये कुरुष आगे बैठा है, देखो पुरुष यहाँ भी शुरू हो चुका है पोयम देना। उधर हाय करो मम्मा को, हाय करो बेटा, ये ज्ञान मुद्रा में बैठा है। तो बस हम ऑन द वे हैं मंदिर, और मैं आपको यहाँ का दिखाऊंगी कैसा है मंदिर, कैसा है। और यहाँ पे हम अभी पूजा का सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं पूजा का अंदर ले जाने के लिए, तो वो ही ले रहे हैं, दिखा दूँगी मैं आपको। देखो यहाँ पे ये पूरा पूजा का सामान मिलता है, चुन्नी उन्नी प्रसाद वगैरह। पुरुष पुरुष, यहाँ पे सारी शॉप्स हैं जहाँ से हम प्रसाद वगैरह चुन्नी वगैरह सारा ले सकते हैं पूजा के लिए। और ये रहा मंदिर, यहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे, ये ही मेन गेट है मंदिर का। मैं दिखाऊंगी आपको अंदर चल के कैसा है। जा रहे हैं अंदर मंदिर में, उधर से थी शायद। कहाँ से जाना भैया? फर्स्ट टाइम आया तो हमें कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, जाना कहाँ से है, पता नहीं हम गलत जगह से ना जा रहे हो कहीं।
और मम्मी आ रही है श्रद्धा भाव के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो मैं भी चली माता रानी के दर्शन करने जल्दी जल्दी, बड़ी एक्साइटेड हूँ कैसा होगा अंदर से और कैसी माता रानी की मूर्ति होगी। वैसे तो उस पर देखा था गूगल पे मंदिर बहुत अच्छा है, बट सामने से देखना तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। तो चलते हैं अंदर, अंदर को दिखाएंगे फिर आपको कैसा है। तो ये हम आ गए हैं, धीरे धीरे हम पहुंचने वाले हैं मंदिर की तरफ। जय। ये पूरा मंदिर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हट गया, कर लो दर्शन। तो अब हम जा रहे हैं ज्योत के स्थान पर जहाँ ज्योत जलाएंगे माता की और भैरव बाबा की भी। मम्मा का जी नमः नमः भैरव बाबा पे आने का भैरव बाबा की ज्योत का स्थान यहाँ जला दो। यहाँ जलानी है? हाँ जला दो ना, कहीं भी रख दूँ ना? हाँ हाँ जलाओ, पहले जला के रखोगे ना। जो जला रहे हैं हम, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ी सी आरती उतार दो। चलो बोलो शीतला मात की जय। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने तो हाजिरी दे दी ना। पीयूष करेगा आरती, पंडित जी तिलक लगा देते। भैरवनाथ है हर अभी, तेरा परिवार सुखी रहे, तेरे जीवन में जय जय कारी रहे, तेरे सब लगेगा, टीका छुट्टी सब लगेगा, भला हो। तो प्रयुष आशीर्वाद ले ले। लगवा लिया? नहीं लगवाया, लगवा लिया, आपको पता है लगवाया। इतना जबरदस्ती इसकी शेड उतार दो वहाँ पर, और कुछ नहीं चाहिए बस। जय माँ काल का, जय माँ जगत कल्याणी। जय हो भैरव बाबा की, भैरव बाबा की जय, बाबा की। तो अब हम बैठ चुके हैं रिक्शे में और अब हम जा रहे हैं चौराहे वाली माता के मंदिर।
तो अभी जो आपको दिखाया था वो है शीतला माता का मंदिर, है ना मम्मी? हाँ, शीतला माता का मंदिर है जो अभी आपको दिखाया था, और अब हम जा रहे हैं चौराहे वाली माता के मंदिर, वो भी आपको दिखाएंगे। तो वो थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से हम जा तो पैदल रहते, बट हमने रिक्शा कर लिया क्योंकि दूर है इस वजह से, नहीं तो पैदल ही जाते। अच्छा, तो जहाँ हम जा रहे हैं ना जिस मंदिर, वो उनकी बहन है, शीतला माता की बहन है वो, तो उनके मंदिर जा रहे हैं। और वैसे उनको चौराहे वाली माता के नाम से जानते हैं, तो चलते हैं देखते हैं शीतला माता की वो मंदिर कैसा है, आपको भी दिखाते हैं और दर्शन करते हैं। वहाँ पे भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे, तो वहाँ पे प्रसाद बेटा। तो ये है चौराहा, चल बेटा हाथ लगा, बच्चा हाथ लगा बेटा, चलो। तो ये हम जा रहे हैं, ये कौन सा मंदिर है अभिष? ये है चौराहे वाली माता का, वो चौराहा था जहाँ पे हमने अभी पूजा की थी, वो चौराहा था, और ये है मंदिर। ये लो जी, दर्शन कर लो चौराहे वाली माता के। पकड़ना डब्बा रख लो, डन हो चुका है हमारे दर्शन, शीतला माता का मंदिर भी हम जाकर आ चुके हैं, उसके बाद चौराहे वाली माता के भी जाकर आ चुके हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और इस टाइम पे पैर मेरे जल रहे हैं क्योंकि बहुत धूप है और ज़मीन जो है पूरी गर्म हो चुकी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ इतनी मेहनत से, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ कर दीजिएगा, और ब्लॉग को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। फाइनली दर्शन कर लिए और अब हम फिर से बैठ गए हैं कार में और घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये अंदर से कर रखा था रास्ता, अब उन्होंने बंद कर दिया अंदर से, तो यहाँ से घूम करके पूरा ऐसे जाना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया, वरना तो 10 मिनट में दर्शन हो जाते। हाँ।